मॉम दूसरी शादी कर रही है। क्या? मॉम बिना बताए स्ट्रेंजर को घर में ला सकती है, लेकिन मैं बिना बताए अपने पापा से मिलने भी नहीं जा सकती। अब तो अपनी खुशियों के बारे में सोचना शुरू करना। आपने डैड को जेल जाने से बचा लिया। कितना कमीना है रे तू। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शिट, रितिका कॉलेज से आने का टाइम हो गया। आई थिंक आई रियली लव यू। से चोरी चोरी मिलना रोज एक दो घंटे के लिए इनफ नहीं है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँ। चाहता हूँ कि हम शादी कर लें। कीर्ति, मॉम, ये सब क्या चल रहा है? कीर्ति, मैं तुझे अनुज के बारे में बताने वाली थी सच। ये चुप। शट अप! आप कभी मेरे पापा नहीं बन सकते, समझे आप? कभी नहीं। कीर्ति, मॉम दूसरी शादी कर रही है। क्या? दूसरी शादी? नहीं नहीं, मुझे डिवोर्स दे के इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई वो? मैं ना ऐसा नहीं कर सकती, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन कैसे पापा, जब उस अनुज ने मॉम को प्रपोज किया था मॉम बहुत हैप्पी थी। पापा, मैं आपके अलावा मॉम के साथ किसी और को नहीं देख सकती। अगर उन्होंने दूसरी शादी की तो मैं यहाँ आपके पास रहने आ जाऊंगी। नहीं बेटा, तू इतने छोटे से घर में कैसे एडजस्ट करेगी? देख बेटा, तुझे कैसे भी करके ये शादी होने से रोकना होगा। तू नैना को बोल कि अगर उसने दूसरी शादी की तो तू उससे बात नहीं करेगी, या फिर अपने हॉस्टल चले जाए, उसे धमकी दे। ये सुनकर नैना अनुज को छोड़ देगी और वो वापस मेरे पास आ जाएगी। बोल बेटा, तू अपने बाप के लिए इतना कुछ करेगी ना? हाँ पापा, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, दुनिया के बेस्ट पापा। एक मिनट, बेस्ट डैड। बहुत प्यार है। पूजा, कीर्ति आई है क्या तुम्हारे पास? नहीं आई। अच्छा, आइए तो प्लीज मुझे फोन करके बता देना। ओके कीर्ति, कीर्ति, यहाँ रो रो के तेरी माँ का बुरा हाल हो रहा है, बिना बताए कहाँ चली गई थी तू? अच्छा दादी, मॉम बिना बताए स्ट्रेंजर को घर में ला सकती है, उसके साथ घटिया हरकतें कर सकती है, लेकिन मैं बिना बताए अपने पापा से मिलने भी नहीं जा सकती। ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का कीर्ति? हाँ दादी, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मॉम को डांटो। और मॉम, आप एक बात समझ लो, मैं पापा की जगह पे किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूंगी।
और अगर फिर भी आपने दूसरी शादी की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। कीर्ति, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। प्लीज प्लीज कुछ छोड़ दे, प्लीज प्लीज। बिल्कुल अपने बाप पे गई है, अपने जिद के सामने ना कुछ नहीं दिखाई देता तुझे। तेरे पापा की वजह से बहुत तकलीफें सही है बहू ने, लेकिन अब मैं उसे अपनी खुशियों के साथ समझौता नहीं करने दूंगी। तू चाहे या ना चाहे, मैना और अनुज की शादी तो होके रहेगी, समझी? अगर कीर्ति ने अपने आप को कुछ कर लिया तो वो कुछ नहीं करेगी, सिर्फ तुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। नहीं माँ, मैंने पहले ही समीर को डिवोर्स देके उसका दिल दुखा है। उसी शादी की तो कब तक दूसरों के बारे में सोचेगी? अब तो अपनी खुशियों के बारे में सोचना शुरू करना। और तुझे मेरी कसम है, तू अनुज से शादी जरूर कर। वैसे तो स्वागत में हल्दी वाला दूध पीने का रिवाज होता है, लेकिन लेकिन हम पहली बार कॉफी शॉप में मिले थे, इसीलिए कॉफी लेकर आया। टेस्ट करो। क्या वो इतनी बुरी है क्या? ऐसी शक्ल बना रही हो? नहीं नहीं सॉरी, वो कृति के बारे में सोच रही थी। सुबह से कमरे में बाहर ही नहीं निकली। बहुत स्ट्रेस लेती हो ना। रुको, तुम्हारा स्ट्रेस कम करता हूं मैं। अनुज, तुम्हारे हाथों में ना जादू है, सारी टेंशन्स खत्म हो जाती है। और भी बहुत सारे जादू करने आते हैं मुझे इस हाथ से। जिंदगी बर्बाद करके चैन की नींद छोड़ी है बुढ़िया। समीर, तू ये क्या कर रहा है? एक कैसी माँ हो आप? अपने एक लौते बेटे का घर तोड़ दिया, बहू को भड़का कर हमारा डिवोर्स भी करा दिया, और अब उससे भी मन नहीं भरा तो आज उसकी दूसरी शादी करवा दी। अरे भैया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
समीर, समीर क्या कर रहा है? समीर, छोड़ मत, समीर छोड़ मत, दादी, समीर छोड़ मत, समीर, होश में, क्या कर रहे हो? होश में, तूने मेरे बीबी को चुरा लिया, अरे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर तू मेरे साथ मारपीट करता रहा, मैं सहती हूँ, लेकिन माँ के ऊपर हाथ उठा के तूने बहुत गलत किया। मैं अब भी पुलिस को फोन करूंगी, रुक जाना। मम, नहीं नहीं प्लीज, पुलिस को फोन मत करो। आज के बाद से जो बोलोगी मैं करूंगी, कभी पापा से बात नहीं करूंगी, अनुज को भी एक्सेप्ट करूंगी। पापा को अरेस्ट मत करो प्लीज, प्लीज मम, प्लीज। नहीं नहीं, रहने देते हैं, कीर्ति के खातिर समीर को एक मौका दे देते हैं। और तू चले कर यहाँ से, अब दोबारा यहाँ वापस दिखाना तो जेल में सड़ाऊंगी, समझाना? और चले कर यहाँ से। माँ, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप कृति को जगा दीजिए। ब्रेकफास्ट रेडी है। मॉम, अनुज को हमारी फैमिली में वेलकम के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। चले आइए। ये रहे आलू के पराठे, दही और अचार। और ये रही मेरे हाथों से बनी फेमस मसाला चाय। थैंक यू सो मच, आपने डैड को जेल जाने से बचा लिया। मिशन, आओ बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। दादी की तरह कहीं मुझे भी मारने तो नहीं आए हो? नहीं बेटा, देख मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, शराब के नशे में गलतियां हो जाती। मैं पूरा बताना चाहता हूँ, ये देख मैं शराब छोड़ने के लिए रिहैब जा रहा हूँ। सच पापा? हाँ, मैं पूरा बदल जाऊंगा, पूरा। लेकिन लेकिन क्या पापा? लेकिन अगर मुझे मेरा परिवार वापस नहीं मिला तो मैं रिहैब से आकर फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। देख बेटा, मुझे ठीक होने में तेरी माँ की और नेहा की जरूरत होगी। पापा, मॉम तो अनुज के साथ है। बेटा, तुझे कैसे भी करके उनको अलग करना होगा, मेरी बात समझ। बेटा देख, मुझे पक्का पता है कि अनुज एक अच्छा इंसान नहीं, क्या एक्टिंगर है, असल में वो गिरा हुआ और घटिया किस्म का इंसान है। देख बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू अनुज से ऐसा बिहेव कर जैसे तू उससे प्यार करती है। What? आपका दिमाग खराब हो गया पापा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे बेटा, मैं तुझसे कुछ गलत करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस चाहता हूँ कि तू अनुज को रिझा और जब वो तेरे करीब आना चाहे, तुझे छूना चाहे, तब उसका वीडियो निकालकर नैना को दिखा दे। इससे नैना अनुज को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएगी। देख बेटा, प्लीज मेरे लिए तक कर दे, मैं तेरे सामने पैर पड़ता हूँ, मेरा टूटा हुआ परिवार छोड़ दे, मेरा टूटा हुआ परिवार छोड़ दे। पापा, नैना, नैना,
मॉम और दादी मंदिर गए। कुछ चाहिए था क्या आपको? जो मॉम दे सकती है वो मैं भी तो दे सकती हूँ। चाय चाहिए थी, मैं खुद बना लूंगा। कृति बेटा। हाय डैड। ऐसा चल रहा है तेरा प्लान? सुपर्ब। आपको पता है अनुज आज मुझे ऐसे देख रहा था, ऐसे देख रहा था जैसे मुझे खा ही जाएगा। वो तो मेरे पास भी आ रहा था तब तक मॉम ने उसे आवाज दे दिया और वो वापस चला गया, नहीं तो आज तो हमारा प्लान सक्सेसफुल होना ही था। पर यू डोंट वरी डैड, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। मैं उनका और मॉम का डिवोर्स करवा के रहूंगी, मैं अनुज को सेड्यूस करके रहूंगी और मॉम और उनका डिवोर्स करवा के रहूंगी, क्योंकि इस घर में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। कीर्ति, मैं तुमसे सेड्यूस होकर तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, बल्कि तुम्हारे इस गलत बिहेवियर के लिए तुमसे बात करने के लिए आ रहा था। पीछे से नैना ने मुझे आवाज लगा दी और जब मैं वापस आया तो मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड से बात करते हुए सुन लिया था। सुपर्ब डैड, आपको पता है आज अनुज मुझे ऐसे घूर रहा था, ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे खा ही जाएगा। वो तो मेरे पास भी आ रहा था लेकिन मॉम ने उन्हें आवाज देकर बुला लिया। इसे यू डोंट वरी डैड। शर्म नहीं आई तुझे ऐसी घटिया हरकत करते हुए? क्यों तेरी माँ की खुशी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही? क्या तेरे पापा ही तेरे लिए सब कुछ है, तेरी माँ कुछ नहीं? प्रीति, अगर मैं तेरी झूठी बातों पे विश्वास कर लेती ना तो अनुज को जेल हो सकती थी। इतनी करके हरकत कैसे कर सकती हूँ? तो क्या करती मॉम, क्या करती मैं? और कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा था आप लोगों ने? मेरे फ्रेंड्स के माँ बाप के बीच भी अनबन होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो लोग डिवोर्स नहीं लेते। हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन आप सेल्फिश हो मॉम, सेल्फिश हो, जो बेटी के शादी की उम्र में खुद रोमांस कर रही हो। रुको, देखो मुझे लगता है कि गलती सिर्फ कीर्ति की नहीं है, हम दोनों की भी है। हमारे डिवोर्स के बाद कीर्ति सदमे से बाहर भी नहीं आई थी और हम दोनों ने शादी कर ली। उसको एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं दिया, थोड़ा सोचना चाहिए था ना हम दोनों को। सॉरी।
अब जो कुछ भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता ना। वी आर मैरिड, यही सच है। लेकिन आई एक चीज का प्रॉमिस करता हूं तुमको कि कभी तुम्हारा डैड बनने की कोशिश नहीं करूंगा। और एक प्रॉमिस तुमसे भी चाहिए मुझे, एटलीस्ट हम दोस्त बन सकते हैं, हाँ प्लीज। देखा, जिस आदमी का तू डिवोर्स करा के उसे जेल भिजवा रही थी, आज वो ही तेरी तरफदारी कर रहा है। अरे इसकी जगह कोई और होता ना तो कब का तेरा सामान पैक करवा के तुझे हॉस्टल भेज देता। तेरी माँ और मैं कुछ कर भी नहीं पाते, समझी? कृति, नहीं ना, अभी मैं जोश को थोड़ा स्पेस लेने दो, थोड़े टाइम बाद मैं खुद बात करूंगा। I'm sorry. मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन पापा के लिए। It's okay. I understand. अरे it's okay बाबा। वो पता तुम्हारे पापा ना बहुत लकी हैं कि उन्हें इतने प्यार करने वाली बेटी मिली, लेकिन ना वो तुम्हारे प्यार का गलत फायदा उठा रहे हैं। तुम जानते हो ना, वो जो भी तुम्हें करने के लिए कह रहे हैं वो इलीगल है, क्राइम है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपने पापा से बात ही मत करो, बल्कि मैं तो नैना को और मम्मी जी को भी यही समझाऊंगा कि तुम्हें तुम्हारे डैड से बात करने दें। लेकिन तुम्हारे डैड ही क्या, कोई और भी अगर तुम्हें ये सब गलत काम करने के लिए बोलता है ना, तो तुम्हें नहीं करना। अंडरस्टैंड? चलो अभी रोना तो ना बंद करो, लो आइसक्रीम खाओ। रहोगी तो नहीं, मैं जाऊं। गुड नाइट। गुड नाइट। पुष्पा, I hate tears. अनु, तुम ऐसे सिचुएशन में रोमांटिक कैसे हो सकते हो? देव, जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो, वो तो कभी भी कैसे भी रोमांटिक हो सकता है ना, है ना? प्रीति से बात करी है मैंने, समझ गई है वो। कह रही थी कि वो शर्मिंदा है और दोबारा ऐसा नहीं करेगी। अनुज, तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो, पता नहीं कैसे तुम्हें थैंक यू करूं। मैं बताता हूं कैसे करूं। Thank you.
प्रीति, अरे 10 बज गए बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? उठ जा, चल चल। मॉम, आई एम नॉट फीलिंग वेल, अनीजी सा लग रहा है। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सर भी दुख रहा है बहुत। चले काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है, डॉक्टर को घर पे ही बुला लेते हैं ना। मैं एक बहुत बढ़िया डॉक्टर को जानता हूँ, उसको फोन करता हूँ, घर पे आ जाएगी। सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर, मुझे पहले भी फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं हुआ। सर बहुत दुख रहा है और ब्लीडिंग भी हो रही है। कीर्ति, ये फूड पॉइजनिंग ही है। आजकल के खाने में इतना पेस्टिसाइड्स और मिलावट हो रही है कि फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स काफी सेवर हो गए हैं, इसीलिए तुम्हें हॉर्मोनल ब्लीडिंग हो रही है। टेंशन की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये दवाइयाँ आपको बाहर से मिल जाएंगी। थैंक्स डॉक्टर, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कैसा लगा क्या? मस्त है ना? ले पकड़। कितना कमीना है रे तू, हर बार सिंगल मॉम को पटाकर उनकी बेटियों के साथ ऐश करता, और इस बार तो तूने शादी कर ली। खानदानी पैसा इन लोग के पास, सोचा सेटल हो जाता भी है। कीर्ति है ना, कुछ अलग बात है इसमें यार। ठरकी कहीं का। चल पैसे दे मेरे। भूल गया था मैं। कितने? वही पुराना वाला, 20। 20,000? वो 2 साल पहले लेती थी मैं, अब मुझे 50,000 चाहिए। बड़ा मुकुल रहा ना तेरा भी, 50 डबल से ज्यादा मांग रही है। पता है मैंने क्या मेडिसिन्स लिखी हैं? पेन किलर, बेहोशी की दवाई, वो प्रेग्नेंट ना हो, ये सब दवाइयाँ, ताकि तू उसे खिलाता पिलाता रहे, ऐश करता रहे, और ये सबका पैसा लगता है, समझा? ठीक है यार, तू भड़क मत अब ज्यादा, एक दो दिन दे, तेरे को देता हूँ बाकी का पैसा। 2 दिन मतलब 2 दिन, मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए, वरना। तो बिल्कुल अपनी मां की तरह लगती है। तेरी मां को देखा था ना, तभी समझ गया था कि उसकी बेटी उससे 10 कदम आगे ही होगी। टाइम आगे देखने का कि 10 कदम आगे है की। फीस तो 1,000-2,000 होती है, मनोज ने इतने सारे पैसे क्यों दिए?
तो ये डॉक्टर भी अजीब ही थी, कुछ तो गड़बड़ है। तुमने जो मुझे आइसक्रीम खिलाई थी उसमें बेहोशी की दवा थी ना, और तुमने मुझे बेहोश करके इसलिए मेरा इतना पेट दुख रहा था और सर दुख रहा था। नहीं नहीं कीर्ति, तुम गलत समझ रही हो, I'm really sorry, लेकिन you will be sorry, I will make you sorry. Mom, दादी, Mom. कीर्ति, कीर्ति, क्या हुआ? हाँ? अरे, क्या हुआ? Mom, ये इंसान बहुत ही घटिया है। इसने मुझे छूने की कोशिश की। क्या 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 बोल रही हो तुम? मैंने झूठ बोल रही है? इसकी तबीयत चेक करने के लिए आया था मैं रूम में, मुझे देख के चिल्लाने लगी पता नहीं क्यों। Shut up! Mom, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, I swear, मुझे कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है। इसने मुझे बेहोशी का दवाई खिलाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और मम्मा इसके साथ वो डॉक्टर भी मिली हुई है। मम्मा मेरा भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ मम्मा, मेरे विश्वास। कितनी झूठ बोलोगी और कृति, जब से अनुज इस घर में आए हैं तो उनके साथ बदतमीजी कर रही है। उन्होंने इतनी बार तुम्हें माफ किया लेकिन तुम, मेरे पापा ने कहा नहीं सब करने के लिए। हाँ नहीं मॉम, मैं सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा रखो, I swear, मैं सच कह रही हूँ। बस कर कीर्ति, हद होती है हर चीज की। माफी मांग अभी के अभी, माफी मांग अनुज से, माफी मांग। नहीं नहीं आप प्लीज ये सब रहने दीजिए, इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कीर्ति को चाहिए कि मैं इस घर में ना रहूं तो मैं चला जाता हूं, मुझे भी प्रॉब्लम। एक मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगे। और कृति, अगर तूने ये नाटक बंद नहीं किया ना तो मैं तुझे हॉस्टल भेज दूंगी। माँ मैं मंदिर जा रही हूँ, आप चलेंगे? और आप? नहीं मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं वो कर लूंगा, आप दोनों जाइए। ठीक है चलिए, मैं जा रही हूँ पापा के पास। कीर्ति आज के बाद तू अपने पापा से नहीं मिलेगी। फाइन, लेकिन मैं इस घटिया इंसान के साथ इस घर में अकेली नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के पास। कीर्ति देखो इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, आप दोनों मंदिर जाएंगे। अनुज आप इतने पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? चलिए माँ जी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? चालक ही करेगा मुझसे, कहाँ है मेरे पैसे? अरे दिया लाना तो मैं भूल ही गई, तू एक काम कर मंदिर जा, मैं दिया लेकर आती हूँ। ठीक है। क्या तू शेफाली, घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए तेरा फोन नहीं उठाया मैंने,
दे दूंगा तेरे को पैसे यार। मुझे अभी के अभी चाहिए मेरा पैसा। अरे तो कैश थोड़ी है मेरे पास। दुनिया डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन कर दे। UPI दे दूं तुझे। जानी है तू? रुक देता हूँ, चेक कर। थैंक यू। बाकी सब कैसा चल रहा है? माँ के साथ बेटी को भी हनीमून पर लेके गया कि नहीं? अरे कहाँ यार, वो छुटंकी कीर्ति सब मालूम पड़ गया उसको। हाथ नहीं लगाने देती है। समझ में नहीं आता क्या कर? चिंता ना कर, 50,000 दिया ना तुझे, कम से कम 50 बार तो छूऊंगा उसको। कमीना है रे तू, बहुत बड़ा। सच बोल रही थी? नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो बता। मेरी हिम्मत कैसे मेरी पोती को हाथ लगाने की? हाँ छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, सजा दिला के रहूंगी, जेल भिजवाऊंगी। रुक रुक, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ, रुक। क्या किया तूने? मार दिया इसे? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, मैं तो अंदर रूम में था, अचानक मम्मी जी के चीखने की आवाज आई। मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मम्मी जी नीचे गिरी हुई है। मा, मा, मा। आपने देखा कि इंद्राणी जी पर अटैक किसने किया? नहीं सर, मैं तो जब बाहर आया तो हॉल में कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने मम्मी जी के पास ये पड़ा देखा। होश में आ, क्या कर रहे हो? ये ब्रेसलेट तो मैंने पापा को दिया था। माना ये ब्रेसलेट मेरा, लेकिन ये खो गया। तू नहीं मारा है। झूठ बोल रहा सर ये। एक बार पहले भी घुस चुके, आधी रात को आके मम्मी जी को इसने मारने की कोशिश करी है। तुम बताओ ना, क्या सच है? नहीं ना, उसने इससे पहले मारने की कोशिश की थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ, ये अनुज, ये इस अनुज ने किया। मैंना, ये जैसा दिखता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कितनी झूठ नहीं बोल रही, शर्म कर ले। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसको। अरे सिम, इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। चलो इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। नैना, सिर्फ अब रोना बंद करो ना। अनुज, इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन बुलाया है, समीर के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, मैं आती हूँ। ठीक है तुम जाओ, कीर्ति की टेंशन मत लेना, मैं ध्यान रखूंगा उसका। मेरे पापा को बचा लो, मुझे पता है मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, तुम बचा रहे हो उन्हें, प्लीज बचा लो।
बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज बचा लो पापा को, प्लीज बचा लो मुझे। बदले में तुम जो कहोगे मैं करूँगी, प्लीज मुझे बचा लो। मैं बचाऊंगा, आ जाओ, मैं बचाऊंगा। कर तो ना, मैं अभी मैं कुछ भी सकता हूँ। चिल्ला लो, चीख लो, सुनने वाले यहाँ पे है कौन है? अगर मैं तुझे पूछा नहीं छू तुझे जाएगा तो ऐसा उसकी माँ डॉक्टर को 30,000 रुपए दिए। मुझे पता था अगर मेरा शक सही है तो मेरे घर से जाते ही तो ये करतूत दोबारा जरूर करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? नैना जी, कानून हाथ में मत लीजिए। इस अनुज को तो हम देख लेंगे। राजेश, अरेस्ट करो। हेलो हेलो।